हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्तमांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका मई में एग्जाम्स है या जो फ्यूचर में एग्जाम्स देखेंगे, सर उन सब के लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम की है जो एग्जाम से एक दिन पहले बहुत काम आती है स्टूडेंट को। मैं आराम से बोलूंगा, हड़बड़ाऊंगा नहीं, आज फास्ट नहीं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे और इसे फ्रेंड तक शेयर करेंगे। ये स्ट्रैटेजी कोई ऐसी नहीं है सर कि मैं टाइम पास के लिए बना रहा हूँ, मैं एक बार के लिए अपने आप को स्टूडेंट समझ रहा हूँ और मैं आपको अपने आप को स्टूडेंट समझ के बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता टैक्स के पेपर में। तो ये मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को काम आएगी। आप स्ट्रैटेजी को चाहो तो कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको कुछ फेवरेबल लग रहा है तो मैं आपको अपने हिसाब से चीजें एक बार गाइड करते जाऊंगा, ठीक है। तो सर ध्यान से सुनना, इसे फ्रेंड तक शेयर करना, लाइक जरूर करना सर, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सर कोई स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे को कमेंट पे लिख के पूछते हैं सर आपके रिविजन लेक्चर्स ये सब कहाँ है, सर ये सब यूट्यूब में डाला हुआ है, मैराथन रिविजन लेक्चर्स, एमसीक्यू केस सिनेरियो, एमसीक्यू की वीडियो, सब डल चुका है सर, सब सब, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, एवरीथिंग कंप्लीटेड। बिलीव मी, सीए इंटर टैक्सेशन वाले लोगों के लिए ये जो है ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद इनको मैं शॉर्ट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स बना बना के रोज शॉर्ट्स बना बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। बाकी इनके लिए सब कुछ जितना मैंने डालना था मैंने सब टॉपिक्स डाले हैं सर, बट शॉर्ट्स बना बना के रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर बताते रहूंगा जो एग्जाम के लिए मुझे लगता है बहुत रिलेवेंस रखता है, ठीक। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं। मान लो वर्तमान सर एग्जाम दे के आए कॉस्टिंग का। अब जब मैं कॉस्टिंग का पेपर दे के आता हूँ, इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर, तो प्रैक्टिकल पेपर दे के आने के बाद सर हम थोड़े से एग्जॉस्ट होते। अब स्टूडेंट जब मैं वर्तमान सर एग्जॉस्ट हुए, पहली बात तो ये सर कि कॉस्टिंग पेपर से निकल के मेरे को कॉस्टिंग पेपर का कोई डिस्कशन नहीं करना है, जैसा था जो आता था जो भी आता था सब लिख दिया, अंडरस्टैंड लिखा, सही लिखा, क्या पता नहीं पता, बट जो भी लिखना था लिख दिया। अब उस पेपर के बारे में कोई बात नहीं करूंगा सर। मैं वहां निकला एग्जाम हॉल से, घर की तरफ मूव किया, क्योंकि मेरे को पता है टैक्स का पेपर बड़ा होता है तो वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम, फटाफट घर की तरफ मूव करते हैं। मैं मानता हूँ सर कि चलो मैं 6 बजे तक घर पहुंचता हूँ, माइट बी पॉसिबल सब स्टूडेंट्स 6 बजे तक तो घर पहुंच ही जाएंगे सर, 2 से 5 पेपर का टाइम है, 5 बजे से चलो मान लो ट्रैफिक वगैरह, 6 या 7 बजे तक घर पहुंच गए स्टूडेंट। अब जब वो 6-7 बजे तक घर पहुंच गया तो सबसे पहली बात यह आती है स्टूडेंट के दिमाग में कि इनकम टैक्स या जीएसटी किससे स्टार्ट करो। देखो मैं अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर वर्तमान सर से कोई पूछता कि आप सर किससे स्टार्ट करते, तो मैं बोलूंगा सर मैं तो जीएसटी से स्टार्ट करता। एक स्टूडेंट ने बोला सर इनकम टैक्स क्यों नहीं, पहली बात इनकम टैक्स बहुत लेंदी होता है, दूसरी बात जिस दिन हम एग्जाम देके आते हैं उस दिन एग्जॉस्टेड होते हैं, थोड़े थके हुए होते हैं सर, तो उस दिन थके होने के कारण अगर आप इनकम टैक्स उठाओगे और इनकम टैक्स के हेवी टॉपिक्स उठा लोगे तो सर होगा ये कि कितना माइंड में जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्मार्टनेस ये कहती है पहले आप जीएसटी उठाओ। जीएसटी इज ईजी, इतना टिपिकल नहीं है, इतना लेंदी नहीं है, बट जीएसटी उठाने के साथ पढ़ने की टेक्निक सही होनी चाहिए। ध्यान से सुनना कैसे, मैं आपको सिंपल सी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन। जब आप जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करो, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है, मैं बोलता हूँ जीएसटी से स्टार्ट करो। जीएसटी से आप क्या करो, मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट जहां से भी क्लासेस लिए हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मिथ से क्लासेस लिए हो, बाहर से क्लासेस लिए हो, कहीं से भी क्लासेस लिए हो, कोई बात नहीं, आपको जीएसटी में सर स्टूडेंट जो आपके रिस्पेक्टिव सर होंगे वो आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपको समरी नोट्स प्रोवाइड किए ही होंगे, चाहे समरी नोट्स बोलो, चार्ट्स बोलो, कंपाइलर बोलो, सर सिनोनिम्स के साथ खेल लो बट है तो समरी नोट्स ही। अभी जो समरी नोट्स आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड किए, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, आपको क्या करना चाहिए, इन्हीं समरी नोट से पढ़ना चालू करना चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे को बोला अरे सर क्या बात करते हो, समरी नोट से मेन मॉड्यूल जो हमें दिया गया है सर के थ्रू या इंस्टीट्यूट के थ्रू उससे नहीं पढ़े? नहीं नहीं, समरी नोट से पढ़ो। आप चाहो तो मेरे समरी नोट्स भी सर टेलीग्राम में पिंड है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो समरी नोट से पढ़ना स्टार्ट करो सर। अब समरी नोट से जब आप जीएसटी पढ़ते हो तो सर मेरी समरी नोट तो सर 125 पेजेस की है सर, जिसमें पूरा जीएसटी कवर होता है, पूरा जीएसटी पूरा। तो सर ये 125 पेजेस की जीएसटी की बुक है, इसको अगर मैं रात के 7 बजे 7 PM से स्टार्ट करूं पढ़ना, 6 बजे घर पहुंचे, थोड़ा सा खाए पिए, रेस्ट किए, 5 मिनट आंख बंद किए, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स किए, 7 बजे से हम पढ़ना स्टार्ट करें या मैक्स टू मैक्स 8 बजे से सर, इससे लेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ही पता है इनकम टैक्स और जीएसटी का पेपर लेंदी है, यू कांट वेस्ट योर टाइम। तो 7 या 8 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आप इस चीज को, प्लीज ध्यान से सुनना, आप इस चीज को एक्सटेंड करेंगे,
आप सर इसको रात को 8 बजे चालू करें या 7 बजे से चालू करें, तो आप इसे रात को 1 बजे तक तो कम से कम लेके जाएंगे सर, ठीक है? अब तो 1 AM हो जाता है सर, तो आप 1 बजे तक तो रात के लेके ही जाएंगे सर। कारण ये है सर, देखिए जीएसटी इज क्वाइट इजी। अगर एग्जाम देने आने के बाद अगर आपने जीएसटी में प्रॉपर एफर्ट्स दे दिए, तो विश्वास करो सर, जीएसटी के होते हैं 12 चैप्टर्स, ठीक है? ये 12 के 12 चैप्टर्स आपसे निपट सकते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग आराम से समरी नोट से निपट सकते हैं। कोई स्टूडेंट बोला नहीं सर चांसेस कम लग रहे कि निपटे, या चांसेस कम लग रहे कि हो पाए, देखो सर एक चीज समझो सर, टैक्स का पेपर है ये, टैक्स का पेपर लास्ट पेपर है, और इसमें आपको जान लगाना है सर, जान लगा देनी है इस पेपर पे, क्योंकि ये पेपर बड़ा भी है, लेंदी भी है, नहीं भी पूरा करोगे तो मोरल डाउन हो जाएगा। हम पेपर जाना, पेपर में जब जाना चाहते हैं ना सर, तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहते हैं। क्या होगा, 2 रात पढ़ लेंगे तो आके नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा, भूत दिख जाएंगे, और क्या हो जाएगा सर, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। हमें किसी को कोई प्रूफ नहीं करना है कि हम क्या दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, जैसे भी है हम बहुत अच्छे हैं। तो सर 12 चैप्टर्स है, रात के 1 भी हो सकती है, रात के 2 भी बच सकती है सर, इट टोटली डिपेंड्स कि सर आपके पढ़ने की स्पीड क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। मैं आपको बाकी दुनिया का तो नहीं बताता सर, मैं अभी जीएसटी का मैराथन लिया स्टूडेंट्स का, उस वो 8 घंटे में 8 आवर्स में निपट गया सर। उस 8 आवर्स में मेरा 2 आवर्स का ब्रेक था सर, ठीक है? 2 आवर्स का ब्रेक था, मतलब मैंने स्टूडेंट को 6 आवर्स में मैराथन के थ्रू जीएसटी कंप्लीट करा दिया था सर। तो आई होप आप भी रिवाइज कर सकते हैं, फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये 5-6 घंटा देते हैं, मेरी बात समझिए, आप अगर ये 5-6 घंटा देते हैं तो आपका जीएसटी कंप्लीट होता है। अब एक स्टूडेंट के मन में आता है, चलो सर आपकी बात माने, हमने रात को अपने आप को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके सर जीएसटी पढ़ना स्टार्ट किया, जीएसटी पढ़ा और पढ़ के बहुत हद तक कंप्लीट भी किया, मान लो आपने कंप्लीट भी कर लिया। अब बात आती है स्टूडेंट के कि सर क्या मैं अब तुरंत इनकम टैक्स उठा लूं? नहीं नहीं, ये तरीका गलत है। आप अभी जीएसटी पढ़े हो ना, पूरा फ्रेश माइंड से दिमाग में जीएसटी है, आपको क्या करना चाहिए सर, जीएसटी के साथ साथ ध्यान से सुना, जीएसटी के आपको आरटीपी, एमटीपी और सर एमसीक्यू भी है, ठीक है? या ये 3 ही चीजें सर इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट, आरटीपी, एमटीपी और एमसीक्यू, ये तीनों को ना सीएस जीएसटी के फटाफट साथ में देख लेना चाहिए। आप बोलोगे सर ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, नहीं सर, ये टोटल तीनों को मिला के आपको मैक्सिमम 1 आवर्स लगेगा। आपको आखिरी दिन लिखना नहीं होता सर, देखना होता है, फॉर्मेट समझना होता है, कोई पॉइंट अगर अच्छा लगे तो उसको समझना होता है, बाकी आगे मूव करना होता है। तो ये आराम से होता है सर, इन सब की भी वीडियोस मैंने डाल के रखा है सर, ये सब भी हो जाएगा। तो ये आपका 1 आवर में क्या हुआ, एक्स्ट्रा 1 घंटा लगा, पर जीएसटी के साथ साथ उसकी चीजें कंप्लीट हो गई। एक स्टूडेंट बोला सर ऐसा नहीं होता एग्जाम के मॉर्निंग में इसको देख लूं, मैं मना नहीं कर सकता, आप उस दिन भी मॉर्निंग भी देख सकते हो, बट आप समझो ना सर, जीएसटी पढ़ा हुआ तुरंत के तुरंत उसका रेफरेंस देखा हुआ, आपको नहीं लगता वो ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा? ऐसा नहीं है इनकम टैक्स के बाद देखोगे तो कुछ गलत है, गलत नहीं है, थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी रखो ना, जो पढ़ी हुई चीज है उसको तुरंत याद रखना ज्यादा आसान होता है सर, मेरे हिसाब से खत्म करो साथ में। अब आते हैं नेक्स्ट डे में। सर देखो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये 2 दिन आपके साथ रहूंगा, कसम से 2 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, जिस दिन आप कॉस्टिंग का पेपर देके आओगे और 2 दिन मैं टोटली आपके साथ हूँ, चाहे रात के 2 बजे मैसेज करो, 4 बजे मैसेज करो, मैं आपके साथ रहूंगा सर, ये 2 दिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, जितने डाउट क्वेरीज डिमोरलाइजेशन जो होगा मैं टारगेट्स देते रहूंगा उस टाइम छोटे छोटे, और आपके साथ सपोर्ट में रहूंगा सर, पर मेरे अकेले से कुछ थोड़ी होगा सर, 2 रात की तो बात है ना सर, रगड़ लेंगे अपने आपको 2 रात, 2 रात रगड़ लिए तो रिजल्ट दे देगा ना अच्छा। और आपको ये पता है सर, टैक्स पेपर में अगर आप मजाक मस्ती करते हो तो यही तो जिंदगी में भूचाल मचा के रखा लोगों के, बवाल करके रखा ये पेपर, तो सर हमें 2 रात देनी है ना, देंगे ना साथ में देंगे ना, चाहे मैं टीचर हूं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं भी एज ए स्टूडेंट आपके साथ 2 रात दूंगा, पर मेरे को आपके तरफ से भी एफर्ट्स चाहिए, यही जुनून आपके तरफ से चाहिए, अकेले मेरे से नहीं होगा सर, मेरे अकेले से कैसे होगा सर, ताली तो 2 हाथ से बजेगी ना, मैं तो आगे ले आया हूँ हाथ, तब आपकी बारी है, ठीक? तो सर अपन ने ये जीएसटी कंप्लीट किया और नाइट में टारगेट है, मीन्स टारगेट है जीएसटी खत्म करने का, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ सर, आप डांटना बोल लो, समझाना बोल लो, जो बोल लो सर, मैं अगर स्टूडेंट रहता मैं रात को रगड़ लेता अपने आप को, मैं जीएसटी कंप्लीट करूंगा सर, क्योंकि जब मैं जीएसटी कंप्लीट करके रात को सोऊंगा तो एक सुकून भरी नींद चाहिए, साला 40 मार्क्स हाथ में लेके सो रहा हूँ, 40 मार्क्स दिमाग में जो काम कूलनेस आएगी ना, इतना जबरदस्त लगेगा, मजा आ जाएगा। तो मैंने जीएसटी कंप्लीट करके सोया, अब मेरी बात ध्यान से सुना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा सर, अभी अपन नींद को थोड़ा साइड कर रहे हैं सर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सर ये 2 दिन आप 4 घंटे
या फिर 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ले रहे सर। इनकम टैक्स जीएसटी के पेपर में इससे ज्यादा कोई नहीं सोता सर। वो बकवास बात है जो लोग बोलते हैं 2 घंटे में हम पास हो गए। भाई हाँ भगवान है, चलता फिरता भगवान है तू। हम 3-4 घंटे ही नींद लेंगे सर, और 3-4 घंटे नींद लेके एफर्ट्स ज्यादा देंगे सर। जितना ज्यादा एफर्ट्स रहेगा उतने अच्छे रिजल्ट होंगे। अब आती है बात इनकम टैक्स प्रिपेयर करने की। ये चीज है जो मतलब स्टूडेंट इससे डरता है, हिलता है। बात ये हो रही है कि सर इनकम टैक्स जब प्रिपेयर करना चालू करें तो कैसे करें। पहली बात तो इसकी भी आपको सर समरी नोट्स मिली होगी। कोई भी आपने जो जिस भी कंसर्न टीचर से क्लासेस ली है वहां से समरी नोट्स गारंटीड मिला होगा। नहीं मिला है तो सर मेरा भी समरी नोट्स है, वो टेलीग्राम में पिंड है। वो 175 पेजेस का है, जहां पर 175 पेजेस में जीएसटी कंप्लीट सॉरी इनकम टैक्स कंप्लीट होता है। अब बात ये आती है इनकम टैक्स में स्टूडेंट पढ़े तो पढ़े कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनो। जीएसटी में तो आप सर चैप्टर सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना, जीएसटी में ना चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ना। आपको पढ़ना हो तो सर एग्जेम्पशन का चैप्टर लास्ट में कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। सीक्वेंस में ही पढ़ना, सीक्वेंस में ही पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा। और एग्जेम्पशन को कोई स्टूडेंट खोद के मत पढ़ देना आखिरी दिन। एग्जेम्पशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट खोद खास के मत पढ़ना, रजिस्ट्रेशन खोद के मत पढ़ना, टैक्स इनवॉइस खोद के मत पढ़ना। कारण क्या है सर, जितना खोद खास के पढ़ोगे ना ये सब चैप्टर आपका कब समय लेके निकल जाएंगे सर पता भी नहीं चलेगा। मैं एज ए स्टूडेंट समझाते जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीजें भुगत सकता हूँ सर, आप भी भुगत सकते हो, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस में चलना, अगर एग्जेम्पशन लास्ट में करना हो लास्ट में कर लेना, अदरवाइज साथ में करके देना। पर टाइम सेट कर लेना सर कि इतने टाइम में इतनी चीजें खत्म करनी है, मीन्स करनी है। करेंगे फिर ब्रेक लेंगे, करेंगे फिर ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स के साथ बात यह है कि सर इसको पढ़ना कहां से चालू करें, कैसे करें, क्या करें। स्टूडेंट को इनकम टैक्स में मेरे हिसाब से पहले छोटे छोटे चैप्टर्स निपटाना चाहिए सर, पहले छोटे चैप्टर्स निपटाओ। एक स्टूडेंट बोला क्या बात करते हो सर, छोटे चैप्टर्स निपटाएंगे तो पीजीपी कैपिटल गेन ये सब कब करेंगे, सैलरी करना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पहले छोटे चैप्टर्स निपटाओ। क्यों छोटे चैप्टर्स निपटाओ, ध्यान से सुनो सर। आप जब देखो इनकम टैक्स में 14 चैप्टर्स, ठीक है, 14 चैप्टर्स, 14 में से देखो मैं आपसे सिंपल बातें करता हूँ। पहला बेसिक रेसिडेंशियल, ठीक है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और कौन सा है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वाला चैप्टर, आईयूएस चैप्टर। ये 7-8 चैप्टर्स है सर जो बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये सब चैप्टर्स छोटे हैं, ये सब चैप्टर्स जल्दी होते हैं सर, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो आप चाहो तो ये 7-8 चैप्टर्स पहले कर लो। एक स्टूडेंट बोला सर फिर बड़े बड़े चैप्टर कब करेंगे। सर अगर आप ये 7-8 चैप्टर पहले करते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सर 14 चैप्टर थे टोटल, 7 कर लिया, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा ये आपके अंदर। आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार मेरा हाफ ऑफ द इनकम टैक्स इज कंप्लीटेड। उसके बाद क्या करना चाहिए, ये छोटे छोटे चिल्लर चैप्टर निपटा है, अब आते हैं बड़े चैप्टर में। सबसे पहले आईएचपी पढ़ो, छोटा सा है, इजी सा है, बड़ा आराम से हो जाता है। आईएचपी के बाद स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए कैपिटल गेन, क्योंकि बहुत इजी सा है। कैपिटल गेन के बाद पढ़ना चाहिए सर पीजीपी या सैलरी। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि कई लोग पीजीपी छोड़ के जाते हैं, कई लोग पीजीपी पढ़ के जाते हैं, टोटली डिपेंड्स। अगर कोई स्टूडेंट पीजीपी पढ़ रहा है तो उसको पीजीपी कर लेना चाहिए, कोई आदमी पीजीपी छोड़ के सैलरी पढ़ रहा होगा तो सैलरी कर लेना चाहिए सर। ठीक है, ये सीक्वेंस में आप करो सर। बड़े चैप्टर्स बाद के लिए रखो, बट पहले से बड़े चैप्टर्स मत उठाओ, क्योंकि पहले से बड़े चैप्टर्स उठा लोगे ना तो सर होता क्या है, कई बार मोरल डाउन हो जाता है, अरे यार इतना सारा बचा हुआ है। और यहाँ पर अगर आपका 7-8 होता हुआ दिखेगा ना तो आपको एक खुशी होती है कि चल यार 7-8 तो खत्म हो गया। तो सर बाद में आप आईएचपी करो, अगर आईयूएस बचाए थे ऊपर तो आईयूएस कर लो, ठीक है, फिर कैपिटल गेन करो, फिर पीजीपी और सैलरी इनमें मूव करो। मैं मान के चलता हूँ सर ये जब तक आप करोगे, मैं लिटरली मान के चलता हूँ, अच्छा एक असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी होता है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ सर कि आप जब तक ये सब करोगे आपको सर रात के 11 या 12 बज जाएगी सर, बज जाएगी, आराम से बज जाएगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब स्टूडेंट ये सब निपटाया, अब स्टूडेंट ने बोला सर जीएसटी में आपने बोला था कि पूरा लॉ पढ़ने के बाद उसके आरटीपी एमटीपी और केस सिनेरियोस या एमसीक्यू कर ले, इसमें भी वही कहानी। यस सर, आरटीपी एमटीपी, ठीक है, एमसीक्यू और प्लस केस सिनेरियो जो इंस्टीट्यूट ने अभी डाला है, ये लेटेस्ट मैंने सब सॉल्व कराया है, आप इनको देखो, या अपना खुद से भी करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, खुद से भी करो। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ चीजें बात ध्यान रखने वाली बात है, जैसे एमटीपी 2 का लास्ट क्वेश्चन जो अपडेटेड रिटर्न का है अच्छा है, केस सिनेरियो का क्वेश्चन नंबर 19-20 अच्छा है, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए। आरटीपी का
केस सिनेरियो का क्वेश्चन, जो केस सिनेरियो होता है ना क्वेश्चन वन, वो अच्छा है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर मेरे को लगते हैं, सर मेरे को अच्छे क्वेश्चन लगे थे जब मैंने इसको सॉल्व कराया था। एमसीक्यू तो बहुत ईजी है सर, वो बहुत ईजी है, आप एक बार जल्दी जल्दी भी देख लोगे तो चल जाएगा। एमटीपी वन काफी ईजी है, एमटीपी टू का लास्ट क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था सर, ठीक है। केस सिनेरियोज में सर 1920 जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आपने खत्म किया इनकम टैक्स, अभी तो सर दो रातें जगने की बात है सर, थोड़े एफर्ट देना है सर, क्योंकि अगले दिन पेपर भी तो देना है। अब बात आती है सर, चलो मान लो हमने इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह सब कंप्लीट किया, अब क्या करें। ये हो गई आपके एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने की प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी, अभी ध्यान से सुनना सर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है। ये हो गई पढ़ने की स्ट्रैटेजी, आपने आरटीपी एमटीपी सब चीज कंप्लीट कर ली। अब स्टूडेंट मान लो सवेरे सवेरे, अगर सवेरे सवेरे वो चाहता है तो सर अमेंडमेंट्स देख के जाए। एक स्टूडेंट बोलेगा सर अमेंडमेंट्स क्यों बोल रहे हो, सिंपल सी बात है सर, अमेंडमेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अरे अमेंडमेंट की स्पेलिंग तक गलत लिख दिया यार, पूरा ध्यान मेरा आप लोग की तरफ है सर। अमेंडमेंट्स इसलिए देख के जाए, कारण ये है सर कि अमेंडमेंट शीट मिली होगी आपको सर, ये जो शीट होती है ये इसलिए देख के जाना चाहिए, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं सर। तो आप अगर अमेंडमेंट शीट देख के जा रहे हो तो एग्जाम में सेफ साइड में रहोगे, जाते जाते एक बार अमेंडमेंट शीट देख लो, शीट देखा हुआ रहेगा तो पता रहेगा कि तुरंत तुरंत कहां पर अमेंडमेंट है। इनकम टैक्स की भी देख लेना प्लस जीएसटी की भी देख लेना, ठीक है। ये हो गई तैयारी पूरी, ये हम इनकम टैक्स जीएसटी से कंप्लीट हुए। अब एक स्टूडेंट का चलता फिरता क्वेश्चन ये है सर, ये पूरा जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? नो, आप क्वेश्चन अलग से बीच में प्रैक्टिस करने मत जाओ, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर का बीच का एक क्वेश्चन उठाने चल जाओगे तो आपका होगा ये कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और उस टाइम अगर ज्यादा लग गया तो सर अगर आगे के टॉपिक्स नहीं कर पाए ज्यादा टाइम लग गया तो मोरल डाउन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आरटीपीज और एमटीपीज है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सही टाइम नहीं है, ठीक है। जो बुक है आप उस बुक को रेफर करिए, जो भी सर से रिस्पेक्टिव क्लासेस लिए बुक्स रेफर करिए और आगे मूव करिए सर, यही मेरी बात समझ। अब हम चले गए पेपर देने, ठीक है। जब हम पेपर देने गए तो बात यह सर, पेपर में ना ये जो 15 मिनट्स मिलता है ना सर, ये 15 मिनट डिसाइड कर देता है कि आप इनकम टैक्स के पेपर में पास हो रहे कि फेल हो रहे। विश्वास करो दिस इज वेरी ट्रू, ये 15 मिनट्स आपका मैनेज करना बहुत जरूरी, और वो भी मैनेज नहीं, अच्छे से मैनेज करना जरूरी है सर। मैनेज तो बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। ये 15 मिनट आपके आगे 3 घंटे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, बस ध्यान से सुनते रहना। कारण ये सर, एंड में ये भी बताऊंगा कि जो अभी वेबिनार हुआ था सर स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे स्टूडेंट को एग्जाम में अपीयर करना है, क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें भी मैं आपको एंड तक बताऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो है बट पूरा आपके लिए गुड फेथ है सर, एकदम मतलब पूरी जान लगा दिया मैंने, अपने आपको स्टूडेंट मान के सब चीज समझा दिया। जब ये 15 मिनट्स मैनेज करने की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी जब इनकम टैक्स और जीएसटी की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी तब भी समझाया था, अभी भी समझाता हूँ। कंपलसरी क्वेश्चंस पहले कभी नहीं पढ़ोगे इस 15 मिनट्स में, क्योंकि ये तो वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ो ना पढ़ो करना ही है, चाहे केस सिनेरियो का रहे चाहे डिस्क्रिप्टिव का रहे, कंपलसरी क्वेश्चंस कोई नहीं पढ़ेगा सर। आप क्या करोगे सर, चॉइस वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे, और चॉइस वाले इनकम टैक्स के और चॉइस वाले जीएसटी के, इन दोनों को पढ़ोगे और इन दोनों में से सिलेक्ट कर लोगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये क्लियर हुई? उसके बाद आप क्या करोगे सर, केस सिनेरियोस के तरफ मूव करोगे। केस सिनेरियो कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करने की टेक्निक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आरटीपीज और एमटीपीज में सिखाया सर, पहले भी बहुत अच्छे से सिखाया सर, तो वहां से आप देख लेना, क्योंकि बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सर। तो सर आप पहले चॉइस वाले क्वेश्चन पढ़ोगे, चॉइस कर लोगे कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, और हड़बड़ाना मत। इनकम टैक्स का पेपर का एक सिंपल सा नियम है, जो हड़बड़ाया साफ है वो बना ही नहीं पाएगा पेपर। आपको काम कूल अपने आप को नॉर्मल करके रखना पड़ेगा सर, चाहे पेपर जैसा भी आए, पेपर कुछ भी आए आपको नॉर्मल करके रखना पड़ेगा। जब आप चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन टू का ए बने बी ना बने, मेरे साथ तो होता था सर, बाकियों का नहीं पता, मेरे साथ तो हुआ है क्वेश्चन थ्री का बी नहीं ए नहीं बन रहा है बी बन रहा है। कोई बात नहीं, एक एक बन रहा है ना, जो मैक्सिमम बनने वाले क्वेश्चन है वो पिकअप कर लो, एक एक ना भी बने ना तो हड़बड़ाना मत। अरे भैया आप ये समझो ना सर, अगर आप हड़बड़ा गए तो 100 मार्क्स के पेपर को तो आप वैसे ही बर्बाद कर दोगे। नहीं हड़बड़ाए तो मान लो अगर ये दो दो क्वेश्चन है जो चार चार आठ आठ मार्क्स के नहीं बने तो क्या हुआ, 80 मार्क्स का तो पेपर अभी भी हाथ में ना। हड़बड़ाना नहीं कि ये नहीं बन रहा है सर, इसका ये पार्ट नहीं बन रहा है, उसका वो नहीं बन रहा है, अरे कुछ नहीं होता, एक एक छोड़ भी दिया, एक एक नहीं भी बना तो क्या बात, आखिरी में कुछ भी गोद के आएंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं सर, ठीक है। तो वो अपन कर लेंगे, उसकी बात छोड़ दो, टेंशन बढ़ाना नहीं है, बस काम कूल रहना है, क्योंकि अभी आप भूलो मत सर कंपलसरी वाले क्वेश्चन भी पढ़ना है सर, क्योंकि वहां से अपन को मार्क्स स्कोर भी करना है। ये हो गई बात इसकी। अब आती है कंपलसरी क्वेश्चन सर, कंपलसरी अगर क्वेश्चन है
ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट का डाउट ये कि कंपलसरी क्वेश्चन में कौन सा पहले पिकअप करे। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को सर जीएसटी का पिकअप करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का एज कंपेयर टू इनकम टैक्स इजी होता है। ठीक है, ये इजी होता है। ये इनकम टैक्स का क्या होता है, केस सिनेरियो और एमसीक्यू कई बार घुमा देता है, तो बेटर है रिस्क मत लो। और मुझे लगता है इस बार जीएसटी का पेपर इजी आने के चांसेस है। मेरी कोई इंस्टीट्यूट से बातचीत नहीं है, मैं कोई सेटिंग वेटिंग करके नहीं रखा हूं। मेरे को जो लग रहा है, इंट्यूशन आ रहे उसके बेसिस में मैं बता रहा हूं, मेरे को लगता है सर जीएसटी का पेपर इजी आने के चांसेस है। तो जीएसटी का जब आप कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले तो एमसीक्यू वाला कंपलसरी पढ़ना, फिर केस सिनेरियो पढ़ना। ठीक है, ये क्लियर है, केस सिनेरियो क्वेश्चंस पढ़ लेना। फिर आएगी बात इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में पहले आप एमसीक्यू पढ़ोगे प्लस एक केस सिनेरियो क्वेश्चन। अब एक स्टूडेंट बोला सर इतना टाइम ही नहीं बचा। अरे भाई नहीं बचा तो जो चीज नहीं बचे, मान लो आपके पास इनकम टैक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा, ये वाले पोर्शन का टाइम ही नहीं बचा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर इसका टाइम नहीं बचा तो इसको छोड़ दो, यहां तक तो पढ़ सकते हो ना। अरे भाई जो पढ़ लिया उस पर विश्वास रखना है यार, जो नहीं पढ़ा उसको क्यों सोच रहा है। अरे बाद में टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, पर अभी जो पढ़ के अपन को पहले अच्छा दिखाना है। शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छा प्रेजेंट करना है, वही प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स देंगे सर, वही चीज आपको टैक्स पेपर में पास कराएंगे। ठीक है, तो नहीं भी पढ़ा है पूरा पेपर 15 मिनट्स में कोई बात नहीं है। बहुत लोगों से इनकम टैक्स का पेपर 15 मिनट्स में पूरा नहीं पढ़ाता, मेरे से तो नहीं पढ़ाता था भाई, मैं बता रहा हूँ मेरे से सीए पैनल में नहीं पढ़ा, क्या पता क्या चमत्कार है पूरा पेपर ही नहीं पढ़ाता है। तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ सका पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ सका देखा जाएगा आखिरी में जब सॉल्व करने जाऊंगा बैठूंगा तब देख लूंगा। आई बात समझ। मेरी एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सर, जब वो केस सिनेरियो क्वेश्चंस करें और जब वो एमसीक्यू करें सर टाइम सेट कर ले, कितने टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन बनना चाहिए सर। अगर 18 मार्क्स का है तो इंटू 1.8 कर लो, इतना ही मिनट्स लगना चाहिए जो भी आएगा। सर अगर 12 मार्क्स का जीएसटी का इंटू 1.8 कर लो, मैं करके ही दे देता हूं, नहीं तो बाद में स्टूडेंट बोलेगा अरे यार सर ये देखो ये आ रहा है 32.4, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट्स। सर 12 इंटू 1.8 21.6 आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं लेंगे सर, अगर इससे ज्यादा टाइम आपने लिया तो आपका बाकी पेपर छूटता है सर। तो सर इसीलिए नहीं लेना। ठीक है, स्मार्ट बनो सर, जिसमें जितना टाइम डिवोट करने की जरूरत है वैसे ही करो। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंटू 1.8 कर लो, तो मेरे ख्याल से 1.8 इंटू 6 ये आ जाएगा सर 10.8, आप सर 11 मिनट, इससे ज्यादा ऊपर नहीं लोगे सर, क्योंकि नहीं तो पेपर छूटेगा ना, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा सर। ये टेक्निक है, ये तो मेरे लिए बहुत काम करती है और मैं अपने स्टूडेंट को भी यही सिखाता हूँ सर, ये इस टेक्निक से पेपर बनाओ, पेपर अच्छा बनता है। आई बात समझ। अब एक निंजा टेक्निक है, निंजा बोलो या जो भी बोलो, मतलब वर्तमान सर का जुगाड़ बोलो। वर्तमान सर क्या करते हैं, देखो सर एग्जाम में पेपर देने के टाइम लास्ट के जो 5 से 7 मिनट बचते हैं, ठीक है 5 to 7 मिनट्स, जहां मेरे को समझ आ गया मेरे से एक क्वेश्चन बचा हुआ है या दो क्वेश्चन बचा हुआ है, ये मेरे से बन ही नहीं सकता, मैं अटेम्प्ट भी करने जाऊंगा तो खुद भी फेंक दूंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करता हूँ सर पता है, पेपर को ना सजाना चालू कर देता हूँ। एक स्टूडेंट बोला पेपर क्या सजाते हो सर, लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ सर, थोड़ा लाइन प्रॉपर कर लेता हूँ सर, एंडिंग में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे क्या हो जाता है कुछ चीजों को अंडरलाइन कर लेता हूँ, तो ये सब चीजें बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट कर देती है। जब बात पेपर प्रेजेंटेशन की छेड़ गई है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी वेबिनार हुआ था जिसमें इंस्टीट्यूट के सर बड़े बड़े चेयरमैन काउंसिल मेंबर क्या क्या तो थे सर, अब उन लोगों ने सर एक बहुत अच्छी बात बताई, स्टूडेंट पेपर में जो हम चाहते हैं वो करता ही नहीं है। मैं बोला बताओ क्या नहीं कर रहा स्टूडेंट, बोले सर स्टूडेंट क्या करता है वर्किंग नोट लिखता ही नहीं है। मैं बोला आई बिना वर्किंग नोट के वो कैसे होगा, बोले सर हम क्या करें वर्किंग नोट नहीं लिखता, मार्क्स नहीं देते। अब एक स्टूडेंट बोला सर वर्किंग नोट कितनी लिखनी चाहिए, मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट को वर्किंग नोट उतनी ही लिखो जितना उसने टाइम, जो उस क्वेश्चन को हमने टाइम डिसाइड किया था उतने टाइम में मैनेज हो पाए। भाई ज्यादा वर्किंग नोट लिखे जाएगा तो पेपर छूट जाएगा, नहीं लिखेगा तो मार्क्स नहीं देंगे, कम से कम थोड़ी वर्किंग नोट दिखा दे। 14 मार्क्स का जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें ज्यादा वर्किंग नोट मत लिखना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, क्योंकि उसमें वर्किंग नोट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बट आप उतनी ही लिखना जितना लगे कि हाँ एकदम जरूरी है, अदरवाइज नहीं, ज्यादा इलैबोरेट मत करना नहीं तो छूट जाएगा पेपर। आई मेरी बात समझ। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जब पेपर प्रेजेंटेशन की बात आ ही गई है तो सुन ही लो भाई। पहला वर्किंग नोट चाहिए, मैंने इंस्टीट्यूट बोलती है वर्किंग नोट चाहिए सर, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। दूसरा इंस्टीट्यूट बोलती है सर जो क्वेश्चन जिस चीज से रिलेटेड है बच्चा उस चीज से रिलेटेड नहीं लिखता, कुछ भी फेंक देता है और फिर उम्मीद करता है हमसे मार्क्स, तो ये गलती नहीं करना है। तीसरी बात इंस्टीट्यूट ने ये बोला सर कि आप जब भी कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो जैसे मान लो मैंने मिस्टर मोहन की टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स पेबल लिखा है, मतलब मैं आपसे पूछा कि व्हाट इज द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, तो स्टूडेंट क्या करता है पूरा सॉल्व कर देता है पर आखिरी तक ये लाइन वाली ये लाइन नहीं लिखता है,
मोहन हैज द टोटल इनकम ऑफ दिस मच एंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दिस मच, ये नहीं लिखता स्टूडेंट। एक बात बताओ, आप आंसर कंक्लूड नहीं करो तो वो किस बात का मार्क्स देगा आपको, किस बात का मार्क्स देगा? मैं भी नहीं दूंगा। सर कंक्लूजन लाइन लिखने की आदत डालना, एक मिनट ज्यादा लगे, एक क्वेश्चन छोड़ने की आदत हो छोड़ देना, बट कंक्लूजन लाइन लिखना। उससे क्या होता है, एग्जामिनर मान लो अगर उसके पास टाइम नहीं रहना तो आखिरी में आके चेक करके आपको मार्क्स दे देगा। ये आप अप्लाई करेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट एग्जाम में, बेहद लॉट, बेहद। मैं बता रहा हूँ, कोई अगर ये कंक्लूजन वाली लाइन लिखा ना एग्जाम में, बहुत काम आएगी, बहुत हेल्प करेगी सर। ये मैंने इंस्टीट्यूट ने बोला सर, ये सब बातें ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। एक चीज और, अमेंडमेंट को पढ़ के जाएंगे सर। मैंने इंस्टीट्यूट बोलती है अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, आप अमेंडमेंट पढ़ के नहीं जाते, पुराना लॉ लिख के आते हैं, मार्क्स नहीं देते और आपका प्रेजेंटेशन भी बिगड़ जाता है इससे, ठीक। इंस्टीट्यूट का कहना ये, इंस्टीट्यूट ने बोला कि सर 3 से 4 शुरू के क्वेश्चन अच्छे प्रेजेंट करे स्टूडेंट, उससे हम उनको जज करते हैं और उसके बेसिस में मार्क्स देते हैं। ये मैं पहले भी बोलता था, इंस्टीट्यूट भी बोलती है सर, ये चीज बहुत जरूरी है। ये सब जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ समझो सर, टैक्स के पेपर में मैटर करती है ये सब चीजें। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा फास्ट रहना होगा। आप टैक्स के पेपर में रिलैक्स मोड पे कभी नहीं रहोगे सर, आपको टैक्स के पेपर में एकदम एक्टिव मोड पे रहना पड़ेगा और स्पीड रखनी पड़ेगी। जैसा भी हो, जो भी हो, हाथ दुखे, पैर दुखे, जो दुखे, पकावक स्पीड लिखना होगा और स्पीड से कहीं पीछे नहीं हटना है। ये मेरी बातें समझ आई, क्लियर हुआ? मैंने आपको बहुत सारी चीजें टैक्स के पेपर से रिलेटेड बताई, आई होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आई होगी टैक्स के पेपर में, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरी रहे, डाउट रहे, कोई चीज नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लो, मैं जरूर हेल्प करूंगा सर। बट एक वादा है सर मेरा आपसे, मैं आखिरी 2 दिन आपके साथ हूँ, मैं हूँ आखिरी 2 दिन आपके साथ, पर मुझे आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि सर हम भी ये 2 दिन आप ही के साथ है और पागलों की हद तक मेहनत करेंगे, रात रात मेहनत करेंगे, 2 दिन जान लगा देंगे सर, टैक्स पेपर एक बार में क्रैक करेंगे। आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हुए तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे सर, आप हो सकता है किसी बड़े टीचर के स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं सर, पर अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो मेरे लिए तो सर आप स्टूडेंट हो और मैं आपकी हेल्प करूंगा। बट प्रोवाइडेड सर ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों मेहनत दोनों करेंगे, वो 2 दिन मैं आपको भी एफर्ट दूंगा। मैंने इसलिए इतनी बातें आज आपको समझाई सर क्योंकि ये लास्ट वीडियो है सर, इसके बाद सर सीए इंटर की मैंने जितनी चीजें डालनी थी सब डाल दिया, रिविजन लेक्चर्स हो गए, केस सिनेरियो हो गया, एमसीक्यू हो गया, मैराथन हो गया, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, अब कुछ नहीं बचा है सीए इंटर वालों के लिए डालने के लिए, कुछ नहीं बचा, सब डाल चुका मैं। तो सर मैंने अपने तरफ से पूरे एफर्ट दे दिए, अब आपकी बारी है, अब आप दोनों सर एफर्ट्स, अगर अब आप दोगे एफर्ट्स तो रिजल्ट आएंगे ना सर, गारंटेड रिजल्ट आएंगे। और सर बिल्कुल विश्वास रखो सर, कॉन्फिडेंस से जाना, ये आखिरी के 10-15 दिन हड़बड़ाना नहीं सर, हड़बड़ाना नहीं। अब जो आप पढ़ो ना वही भगवान है, जो आपको आता है वही भगवान है, कोई टेंशन कोई प्रेशर नहीं लेना, किसी से कोई बकवास नहीं सुनना है, तू ये पढ़ा, तू वो पढ़ा, तू ये पढ़ा, हाँ ठीक है तू जो पढ़ा पढ़ा, मैं जो पढ़ा वही मेरे भगवान है, बस कॉन्फिडेंस रखना। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी, मेरे को तो ये एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस देती थी, अगर मैं 80 मार्क्स का पेपर बनाया और अगर इसका 70% भी सही हो गया तो भी मेरे को 56 मिल जाएगा सर, पता है ये ब्रह्मास्त्र है, ये वाली बात जिस दिन स्टूडेंट समझने लग गया ना सर, फिर तो वो ना चाहे उसको साक्षात कोई भी आके डरा दे वो डरेगा नहीं सर पेपर से, पर स्टूडेंट क्या पता है ये वाला दिमाग अप्लाई नहीं करता, वो डर जाता है 20 मार्क्स का पेपर छूट गया मर जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, अभी क्या बकवास है भाई, 80 मार्क्स का तू पेपर अटेंड किया उसमें मैं मान ले चल 70% ही करेक्ट मान रहा हूँ, तो 8 7 56 56 तेरे मार्क्स आ रहेंगे, चल और काट दी इंस्टीट्यूट यार 50 तो बन जाएगा, डर क्यों रहा है 45 तो बन सकता है, डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, काम कूल रहना, रिलैक्स रहना। इवन 70 मार्क्स का पेपर अटेंड किए उसमें भी 70% सही हुआ तो 49 तो हो गया ना, हड़बड़ाना नहीं, बस वहां डरना नहीं, काम कूल रहना, रिलैक्स रहना। मैं इसीलिए आज आपको इसलिए मेहनत करके ये वीडियो बना के आपको समझाया, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, शायद हो सकता है स्टूडेंट बोल रहे पका दिए सर, पर ठीक है यार, मैं आज अपने आपको एक स्टूडेंट समझ के स्टूडेंट के जैसे बता रहा हूँ सर कि दुख दर्द क्या थे, मेरे भी थे, शायद आप में से किसी के और भी हो, तो ये चीजें आएगी सर। मैं ये सब दौर से निकलो, मैं ये सब बेवकूफी करके निकलो, मुझे कोई ये सब नहीं समझाता था सर, शायद कोई मेरे को उस टाइम ये सब चीजें समझाता तो आज मैं जो सीए फाइनल में 6-7 अटेम्प्ट फेल हुआ वो नहीं होता और इंटर में 2 बार फेल हुआ वो नहीं होता, तो मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप करो, हो गई जी मेरे से हुई ना मैं भुगत गया, आप तो मत भुगतो। आई होप आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करोगे, लाइक जरूर करना सर, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करी है, लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अभी शॉर्ट्स छोटे छोटे शॉर्ट्स बना बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाऊंगा इनकम टैक्स और जीएसटी के अभी एग्जाम तक, तो वो रेगुलर बेसिस में आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। फिर भी अगर लगे कुछ चीज पूछने लायक तो आप जरूर मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकते हो, नो इशूज, आई वुड बी देयर फॉर हेल्प। टेलीग्राम में कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं टेलीग्राम में सर, मेरा पर्सनली टेलीग्राम में आप लिख के भेजो, वहां पर ज्वाइन करो, मैं आपके डाउट्स खुद क्लियर करूंगा सर, मैं वहां पर एक्टिव रहता हूँ, मैं वहां पर आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो सब ध्यान रखना, आराम से रहना, ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।